बहुत खुशी है बेटा। मैं यही कहना चाहुंदी हां भी मेरे बेटे वर्गे सब दे पुत्र इहो जिहे होण, सच्चे पातशाह सब नूं तरक्कियां बख्शे। बस मैं इन्ना कुछ कहना चाहुंदी हां। पातशाह ने बहुत खुशी करी है ते 11 मित्रां नूं ते अपने भैण भाइयां नूं सारयां ने बहुत रल मिल के इन्हें बहुत मेहनत करी, बहुत पढ़ाई करी ते साडे परिवार दा साडे जिले दा नाम रोशन करिया ते सच्चे पातशाह ने मेहर करी है। ते मैं भी 24 साल सर्विस आर्मी दी करी है, आर्मी च भेजो बच्चे नूं बहुत कुछ मिलदा मालक दी दया नाल। तो अपने कई लोग कहते साडा कल्ला कल्ला बच्चा है, मैं नहीं भेजना, एक गलती है साडे लोगों की। तो जिन्ना आर्मी चो बंदा फायदा ले सकता है वह कितों भी नहीं ले सकता। बहुत खुशी है बेटा, मैं यही कहना चाहुंदी हां भी मेरे बेटे वर्गे सब दे पुत्र इहो जिहे होण, सच्चे पातशाह सब नूं तरक्कियां बख्शे। बस मैं इन्ना कुछ कहना चाहुंदी हां। जिहड़े नौजवान ने परिवार ने जिहड़े अपने बच्चों नूं भेजदे नहीं फौज दे विच डरदे ने, तां उहनां नूं की कहोगे उहनां परिवारां नूं? असीं तां बेटा बिल्कुल नहीं डरे। पहलां तेरे अंकल जी फौज 'च रहे, फिर बेटा तो रहे, इकलौता बेटा मेरे। मैं तां कहिंदा बच्चों नूं बाहर भेजो, बाहर फौज 'च भेजो, बाहर जाके कुछ नहीं हैगा। फौज 'च भेजो, बच्चे वधिया तरक्की करके आउणगे, नशियां तों दूर रहणगे, सारा कुछ बहुत वधिया होगा बेटा जे बच्चे बाहर जाणगे, फौज 'च जाणगे। फौज 'च बहुत तरक्की है, बहुत वधिया है। मैं अज बहुत प्राउड फील कर रहा हाँ कि मैं अपने शहर मानसा नूं रिप्रजेंट कर रहा हाँ इंडियन आर्मी दे विच। एक मैं 2009 दे विच जवान भर्ती होया सी, जवान भर्ती होने तो बाद मैनूं पता लग्या कि बहुत सारे मौके मैनूं इंडियन आर्मी दे रही है अपने आप नूं एक ऑफिसर बतौर ऑफिसर दे रूप विच प्रूव करन लई। सो मैं पता कीता ना एंट्रियां बारे, मेहनत की, मैनूं लग्या कि मैनूं अपनी एजुकेशन वधाउणी है। मैं बीए की, मैं एमए पोलीटिकल साइंस, एम ए इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की। अपने उस वीकनैस और लैकिंग एरिए ते फोकस किया सो दैट मैं ईजीली क्लीयर कर पावा। बट कुछ अनसक्सैसफुल अटैम्प्ट्स तो बाद मेरा सुपना पूरा होया। मैं हूँ इंडियन मिलिट्री अकैडमी देहरादून तो पास आउट होया 25 नवंबर 2023 नूं। तो अज मैनूं बहुत खुशी हो रही है इस मेरी सक्सैस दे विच। सिर्फ मेरी सक्सैस नहीं है, मेरे फैमिली दी, मेरे दोस्तों दी, मेरे मित्रां दी, मेरे ऑफिस स्टाफ दी, मेरे सीनियर ऑफिसर्स दी, सच्चे पातशाह वाहिगुरू की कृपा नाल अज मैं लैफ्टिनेंट बन सकेगा। कि नशा होना चाहिए सिर्फ एक, वह थोड़ी जवानी का, वह थोड़े जोश का, वह थोड़े मकसद का। जे तुसीं इंडियन आर्मी की गल करांगे, असा इंडियन आर्मी सिर्फ दिखाया जाता है कि उत्थे कैजुअलिटी होगी, उत्थे कैजुअलिटी होगी, उत्थे ए किसी डेड बॉडी आ रही है। बट ये नहीं दिखाया जाता कि किस तरह एडवेंचर एक्टिविटी होंदिया ने, किस तरह लाइफ स्टाइल्स होंदे ने, क्योंकि मौके ने अपने आप को प्रूफ करन दे। एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी दे विच केड़ी केड़ी वेरियस एंट्रीज ने, वेरियस एरिया ने जिथे सब फन भी हुंदा, इंजॉय भी हुंदा, सर्विस भी हुंदी है। फौज का मतलब है, फौज का मोटो है सर्विस बिफोर सैल्फ, अपने तो पहला अपने देश की सेवा। तो इस देश की सेवा एक अंतक ते एक बेलालच हुंदी है। ये सिर्फ सानू ग्रीट है आर्मी वालों जो सानू अपने लाइफ जीने का अलग तो मौका देती है। आर्मी इज़ द वे ऑफ लाइफ। थैंक यू।